बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट इस चैप्टर जो है वो बॉन्ड्स वैल्यूएशन लास्ट हमने शुरू किया था, उसके आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम 6-15 देखें। प्रॉब्लम 6-15 पे 259 पे है। कम्प्लेक्स सिस्टम हैज़ एन आउटस्टैंडिंग इशू 1000 पार वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है? 1000। पार वैल्यू है। विद कोपन इंटरेस्ट रेट इज 12%। कोपन रेट 12% है। इशू पेज इंटरेस्ट एनुअली एंड हैज 16 ईयर रिमेनिंग टू इट्स मेच्योरिटी। मेच्योरिटी लाइफ या एन जो है वो 16 है। इफ बॉन्ड ऑफ सिमिलर रिस्क आर करंटली सेलिंग 10% रेट ऑफ रिटर्न, ये मार्केट रेट है, हाउ मच शुड कम्प्लेक्स सिस्टम बॉन्ड सेल टूडे। आज वो कितने का बेचेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड करने के। मार्केट रेट कितना है? 10%। फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। फार्मूला क्या है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का? बी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू 1 - 1 + i^-n डिवाइडेड बाई आई, ये एनओटी का लग गया फैक्टर, पार वैल्यू इंटू 1 - i^-n। ये आई जो है ये पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कोपन रेट है। पार वैल्यू 1000 है और कोपन रेट 12% है, ये 120 आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये बताएं कि क्या इसका आंसर 1000 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। मैंने बताया था जैसे जैसे मार्केट रेट कम होगा वैल्यू बढ़ेगी, यही चीज़ मैंने कहा याद रख लेनी है आपने। जैसे जैसे मार्केट रेट कम होगा मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो जवाब ज़्यादा आएगा प्रीमियम पे है। डिस्काउंट मार्केट रेट अगर कम है कूपन से तो प्रीमियम पे है। 120 1 - 1 + i कितना है? 0.10। ये आई है मार्केट रेट, माइनस एन है 16 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस पार वैल्यू है 1000 इंटू 1 + 0.10 - 16। पहले आप ये चीज़ देखें कि ये फैक्टर निकालने हैं, यही फैक्टर में से 1 को माइनस करके 0.10 से डिवाइड कर दें। पहले ये फैक्टर बताएं कितना आया। इसको 1 से माइनस करके 0.10 से डिवाइड कर दो। कर देते हैं, इसको कर दो मल्टीप्लाई। ₹938.84 और ये 239 कर रहा हूँ मैं इसको, ये 217 टोटल कितना हो गया? ₹1156। ठीक है ना जी, हमने कहा मार्केट रेट कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा होगी, आंसर ज़्यादा आएगा हमारा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट डी जो बी चूज में वही, डिस्क्राइब टू पॉसिबल रीजंस व्हाई द रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिमिलर रिस्क इज बिलो कोपन रेट ऑन कम्प्लेक्स बॉन्ड सिस्टम। टू पॉसिबल रीजंस जो मैंने आपको लिखवाई हैं वो यहाँ पर आप लिखोगे। टू पॉसिबल रीजंस वो क्या है, क्यों कंपनी जो है वो डिस्क्राइब टू पॉसिबल रीजन व्हाई रेट ऑन सिमिलर रिस्क बॉन्ड इज बिलो
क्यों रेट बिलो है, मतलब क्यों वो प्रीमियम पर बेच रही है। कंपनी वांट टू चेंज डिमांड ऑफ दी गुड, वांट टू चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, या वांट टू चेंज द रिस्क हम उसको कह सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट में देखें सी में, इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, व्हाट वुड बी द करंट वैल्यू ऑफ कंप्लेक्स बॉन्ड बी, कंट्रास्ट दिस फाइंडिंग विद योर फाइंडिंग इन पार्ट ए एंड डिस्कस। अब आपने यहां पर जो डिस्कस करना है वो रिलेशनशिप बतानी है, उससे पहले आपने इसी क्वेश्चन को मार्केट रेट रखना है 12%, मार्केट रेट कितना लेना है 12% लेना है। अब आपने दोबारा से बी नॉट इज इक्वल टू 120 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.12 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 0.12, मतलब जहां जहां 10% है वहां मैंने क्या कर दिया 12 कर दिया, उसने कहा 12% लें, 1000 पार वैल्यू है, इंटू 1 प्लस 0.12 फैक्टर बताओ 0.163 इसका 6.97 करूंगा मैं इसको, ये आ गया कितना मल्टीप्लाई करो 837 प्लस 163 इज इक्वल टू 1000 बराबर आया। हमें पता था जब कूपन रेट और मार्केट रेट बराबर है आंसर हमारा 1000 आएगा। अब वो कह रहा है कि पार्ट ए भी आपने किया पार्ट बी भी किया, इसको जरा डिस्कस कर दो। तो आपने अब यहाँ रिलेशनशिप बतानी है, रिलेशनशिप वही वाली कि कूपन इफ फर्म इफ या व्हेन कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट, बॉन्ड विल बी इशूड एट बाकी कंप्लीट रिलेशनशिप लिख दोगे जो हमने सीखी है कल, जो हमने सीखी है मुकम्मल उसको रिलेशनशिप बता दोगे कि आगे इस तरह से भी हो सकता है जब कंपनी ने डिमांड बढ़ानी हो शेयर की तो वो क्या करेंगे, प्रीमियम पर सेल करेंगे, तो प्रीमियम पर सेल करेंगे मार्केट रेट डाउन होगा तो प्रीमियम पर सेल होगा, मार्केट रेट बढ़ेगा तो डिस्काउंट पर सेल। ये बात समझ में आ गई, ठीक है इसको नोट कर लें, इसको मैं इसको रफ कर रहा हूँ आप बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। इधर नहीं होगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जगह कम है। ग्राफ वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन YTM का डिस्कस कर लेते हैं ताकि पूरा चैप्टर हम उसको कवर करें इसमें। अब हम क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मार्केट रेट फाइंड करना है या YTM फाइंड करना है, ये है प्रॉब्लम 6-21 ये पेज नंबर 261 पर है। स्लिम कंपनी बॉन्ड करंटली सेलिंग 9.55, करंटली सेलिंग ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी है 9.55, कूपन रेट 12% है, पार वैल्यू है 1000, N15 है,
फाइंड करना है YTM, YTM या मार्केट रेट एक ही बात है, YTM फाइंड करना है एज उसमें। क्या फार्मूला है YTM का? YTM I प्लस पार वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय पार वैल्यू प्लस एन होल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय 100। आई जो है ये पार वैल्यू पर कूपन रेट है, 1000 का 12% 120 प्लस पार वैल्यू 1000 माइनस मार्केट वैल्यू 955 डिवाइडेड बाय एन कितना है 15 होल डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 955 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई कर लें, ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी कितना, ये 45 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 प्लस 20 123 1955 डिवाइड बाय 2 कितना आया 977 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ गया 12.58%। आप ये देखें कि मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से थोड़ी ही कम है, इसलिए थोड़ी कम है तो रेट थोड़ा ज़्यादा है। उसकी वजह से वीडियो ऑफ हो गई होगी, नहीं ठीक है। अच्छा देखें, अब ये समझ आ गई। इसके बाद इसमें बी जूज में कह रहा है रिलेशनशिप बता दो, सेकंड में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वही है, कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट। अब यहाँ पर हम रिलेशनशिप बताएंगे इस लिहाज से कि पार वैल्यू, या यही बता दें आप, कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट इशू एट पार, कूपन रेट इज लेस देन मार्केट रेट, मार्केट रेट ज़्यादा है इशू एट डिस्काउंट कूपन रेट इज ग्रेटर देन मार्केट रेट, मतलब मार्केट रेट कम है तो इशू करेंगे एट प्रीमियम। ठीक है जी, ये बी जूज है, इसी को आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दोगे। अब ये जो है ना, इसके अलावा आप 6-16, 17, 18, 19 और 20 ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। 16 में तो बस 16 तो रहने दो, 17, 18, 19 बिल्कुल एक जैसे हैं, उसमें ग्राफ या कोई चीज़ है जो समझ ना आए, ठीक है जी। हाँ जी हाँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ, ये प्रेजेंट वैल्यू और YTM वाले मिक्स हैं।